कस्टमर केयर एजेंट को ट्रांसफर फाइल नंबर से जुड़ी जानकारी देगा, जिसके वेट करेंगे। दोस्तों पेटीएम के कस्टमर केयर से हम बात कैसे करें, तरीका बदल चुका है। यहाँ पे अब कॉल नहीं लग रही है, बात नहीं हो पा रहा है, कुछ नया तरीका आ गया है बात करने का। तो वह कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेटीएम के कस्टमर केयर से आप बात कैसे करेंगे। 2-3 की दबाना होगा, फिर आपकी कॉल लग जाएगी। तो स्वागत करेंगे आपका हम अपने इसी यूट्यूब चैनल ग्रोइंग गोरखपुरी पर, और आइए लाइव स्क्रीन पर चल के सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों मैं लाइव स्क्रीन पर हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि पेटीएम के कस्टमर केयर से आखिर हम बात कैसे करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को हम करेंगे ओपन, और हम यहीं से निकालेंगे पेटीएम के कस्टमर केयर का नंबर। तो मैं पेटीएम कस्टमर केयर का नंबर यहां से निकालता हूं, टाइप करेंगे पेटीएम कस्टमर केयर नंबर। एक नंबर मुझे प्रोवाइड होता है यहां से, इस नंबर को मैं ऐसे नोट कर लूँगा, ठीक है। और नोट करने के बाद मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद डायलर में जाएंगे और यहां से हम नंबर को कर देंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया, बीच में से डैश को गायब कर देंगे। अब यही नंबर आ गया 0120445-6456। इस नंबर पे हम कॉल करेंगे, जैसे कॉल करेंगे तो यह पेटीएम कस्टमर केयर पॉइंट का ही नंबर है। हिंदी के लिए एक दबा देंगे। हमारे बैंक आईडिया का मेन्यू बदल गया है, कृपया आगे बढ़ने से पहले ऑप्शंस को ध्यान से सुने। केवाईसी से संबंधित जानकारी के लिए एक दबाएं, पासवर्ड पिन और पेटीएम अकाउंट से जुड़े सवालों के लिए 2 दबाएं। पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करने, भुगतान या पैसे भेजने से संबंधित सवालों के लिए 3 दबाएं। पेटीएम बैंक डेबिट कार्ड या चेक बुक से जुड़े सवालों के लिए 4 दबाएं। यूपीआई से जुड़े सवालों के लिए 5 दबाएं। पेटीएम वॉलेट, सेविंग्स अकाउंट या डेबिट कार्ड 3 दबाएंगे। या अनाधिकृत उपयोग, पैसे ऐड करने से संबंधित सवालों के लिए 1 दबाएं। वॉलेट द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से संबंधित सवालों के लिए 2 दबाएं। अगर आपको पेटीएम वॉलेट से संबंधित सर्विसेज या आपको वॉलेट से संबंधित पेमेंट से जुड़ी समस्या है तो 3 दबाएं। अपना वॉलेट बैलेंस चेक करने के लिए 4 दबाएं। पेटीएम पोस्टपेड से संबंधित जानकारी के लिए 5 दबाएं। पिछले मेन्यू में जाने के लिए 4 दबाएं। मेन मेन्यू में जाने के लिए 3 दबाएं। 3 दबाएंगे। अन्य पेटीएम यूजर को पैसे भेजने से संबंधित प्रश्नों के लिए 1 दबाएं। मर्चेंट्स के पेमेंट से संबंधित प्रश्नों के लिए 2 दबाएं। वॉलेट से बैंक में पैसे भेजने से संबंधित प्रश्नों के लिए 3 दबाएं। राशि ऐड करने से संबंधित प्रश्नों के लिए 4 दबाएं। पिछले मेन्यू में जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में जाने के लिए 3 दबाएं। 4 दबाएंगे। प्रिय ग्राहक, आपका अधिकतम वॉलेट बैलेंस 1,00,000 रुपए हो सकता है। पैसे ऐड करने के लिए ऐड मनी पर क्लिक करें, पेटीएम वॉलेट चुनें और उसके बाद राशि दर्ज करें और फिर पेमेंट का मोड चुनें। इस इंफॉर्मेशन को दोबारा सुनने के लिए 1 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 4 दबाएं। मेन मेन्यू में जाने के लिए 3 दबाएं। हमारे एजेंट से बात करने के लिए 9 दबाएं। 9 दबाएंगे। एजेंट से बात करने के लिए आपको अपना पासकोड या ओटीपी दर्ज करना होगा। पासकोड के लिए 1 दबाएं, ओटीपी दर्ज करने के लिए 2 दबाएं। 2 दबाएंगे। कृपया आपके मोबाइल पर प्राप्त हुए ओटीपी को दर्ज करें। वेट करेंगे, आ गई ओटीपी, इसको भरेंगे। तो 226-295 भर देते हैं, भर दिया। अपनी समस्या का जल्द से जल्द समाधान पाने के लिए अपनी समस्या को पेटीएम ऐप के 24/7 हेल्प सेक्शन में दर्ज कर सकते हैं। हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एजेंट को ट्रांसफर फाइल नंबर से जुड़ी जानकारी देगा, जिसके लिए आपने हेलो हेलो हेलो
दोस्तों कॉल रिसीव हो गई थी बट उधर से मैम बोल नहीं रही थी, बट तरीका है ये कॉल लगाने का जैसा कि मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।